तो दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट ऑलरेडी, एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है यामा MT15, जो कि आएगी अब न्यू अवतार में, जिसको हम कह सकते हैं यामा MT15 वर्जन 2। हाल ही फिलहाल में देखा जाए तो भाई यामा MT15 के बहुत ज़्यादा दीवाने हैं, बहुत ज़्यादा उसको बाइक को करते हैं प्यार। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो की, क्या क्या है कि इस बाइक में आने के चांसेस है, कि ये जो बाइक है इस बाइक में ये सारी चीज़ें आएंगी। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले बात करी जाए तो इस बाइक के बारे में, तो इस बाइक के अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा आपको 155 cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड 4-वॉल्व वाला आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको मैक्सिमम पावर जो मिलेगी वो मिलेगी 18.4 PS एट द रेट 10,000 RPM। वो जो मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा वो मिलेगा 14.2 Nm एट द रेट 7,500 RPM पर। BS6 के आपको ये बाइक मिल जाएगी, बोर्ड जो मिलेगा आपको 58 mm का बोर्ड मिलेगा, स्ट्रोक जो मिलेगा 58.7 mm का स्ट्रोक आपको इस बाइक के अंदर मिल जाएगा। चैन ड्राइव दोस्तों जो आपको मिलेगी वो आपको ओरिंग वाली चैन ड्राइव मिलेगी, वहीं पे इस बाइक के अंदर आपको 4-वॉल्व का इंजन मिल जाएगा। पेट्रोल आप इस गाड़ी के अंदर कोई भी डलवाओ, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ भाई स्पीड का पेट्रोल डलवाओगे तो भाई इंजन के अंदर और भी ज़्यादा आ जाती है रिफाइनमेंट। बात करी जाए तो दोस्तों इस बाइक के बारे में, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, कि इस बाइक के अंदर आपको जो नेक्स्ट चीज़ मिलेगी वो ये मिलेगी कि इसके अंदर आपको डुअल डिस्क का आपको सेटअप मिल जाएगा विद डुअल चैनल ABS के साथ। बात करी जाए तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि भाई ये जो बाइक है, इस बाइक के अंदर आपको मिल जाएगा कोई शिफ्टर, यानी कि बिना क्लच दबाए आप इस बाइक में डाल सकते हो गियर। और डाउन शिफ्ट भी आप करना चाहते हो भाई, डाउन शिफ्ट भी ये जो गाड़ी बहुत स्मूथली कर देती है। तो यार ये तो हो गया इसके इंजन से रिलेटेड की बात। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि इसके अंदर आपको मीटर कंसोल कौन सा मिलने वाला है। तो दोस्तों इसके अंदर आपको मीटर कंसोल सेम वही मिलेगा जो आपको R15 वर्जन 4 के अंदर मिलता है, जो कि भाई पर्सनली मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। और साथ के साथ में इसके अंदर आपको मीटर कंसोल के अंदर क्या क्या मिलेगा, तो मीटर कंसोल के अंदर आपको इसके अंदर यामा की वाई कनेक्टिविटी मिल जाएगी, जिसके अंदर आप जब इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करोगे तो ट्रिप 1 ट्रिप 2 आपको ये बता देगा, रियल टाइम माइलेज भी आपको बता देगा, और सर्विस रिमाइंडर और नेविगेशन भी आपको ये काफ़ी सारी चीज़ें जो बता देगा, कॉल अलर्ट बता देगा, फ़ोन में कॉल जो आएगी वो आपको वहाँ पे जो लाइट होगी वो इंडिकेट कर देगा, मैसेज कुछ आएगा तो वो भी आपको कर देगा इसके अंदर इंडिकेट। एक चीज़ जो है वो मुझे लग रहा है कि कंपनी शायद इस बार इसमें कर देगी, जैसे कि आपने TVS के एंटॉक में देखा होगा कि मीटर में क्या होता है कि भाई जब किसी का कॉल करता है तो उसका नाम आ जाता है, फिर मोबाइल नंबर आ जाता है, और जब किसी का मैसेज आता है तो वो भाई वहाँ पर शो कर देता। तो यार ऐसा कुछ अगर इसके अंदर आ जाए मीटर में तो भाई वाह वाह क्या कहने वाली बात हो जाएगी। इस बाइक के अंदर आपको फ्रंट में जो सस्पेंशन मिलेंगे वो आपको USD सस्पेंशन मिल जाएंगे, और जो चेचिस मिलेंगे वो आपको डेल्टा बॉक्स टाइप की चेचिस मिल जाएगी, मोनोशॉक का सस्पेंशन मिल जाएगा, और वहीं पे आपको इसके अंदर TDS भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। बात करी जाए तो दोस्तों फ्रंट टायर साइज के बारे में, तो टायर साइज जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 100x80 का फ्रंट टायर मिलेगा, और जो रियल टायर मिलेगा आपको 140x70 का रियल टायर आपको इसके अंदर मिल जाएगा विद 17 inches के अलॉय व्हील्स के साथ। ट्यूबलेस टायर दोस्तों इस बाइक के अंदर मिल जाएगा, अलॉय व्हील्स आपको इस बाइक के अंदर मिल जाएंगे। बात करी जाए तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है भाई पर्सनली मुझे तो है काफ़ी ज़्यादा पसंद, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करी जाए तो दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आपको जो मिलेगा माइलेज, तो दोस्तों भाई साहब ये जो माइलेज के मामले में तो एक नंबर बाइक है भाई, आपको आराम से ये जो बाइक है ये आराम से आपको 52-53 तक का भी माइलेज निकाल देगा भाई, डिपेंड करते हैं आपके राइडिंग स्टाइल के ऊपर आप किस तरीके से राइड करते हो। अगर इस गाड़ी को आप करते हो भाई इको मोड पर राइड तो भाई आपको बहुत प्यार से 60+ का भी माइलेज दे सकते हैं। माइलेज के मामले में कहते हैं ना गाड़ी चाहिए R15 वाला इंजन चाहिए, और भाई आपको चाहिए माइलेज, तो भाई MT15 वन ऑफ द फेवरेट बाइक फॉर मी, भाई मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा फेवरेट बाइक है माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो। बात कर जाए तो दोस्तों हाईवे के अंदर भी ये है कि हाईवे में भी आपको अच्छा खासा माइलेज निकाल देगा भाई, माइलेज के मामले कोई डाउट नहीं, आपको माइलेज वाली बाइक चाहिए, R15 वाला इंजन चाहिए, बॉडी पोस्चर आपको चाहिए नॉर्मल या ज़्यादा मेरे को एग्रेसिव पोस्चर नहीं चाहिए, बिल्कुल आप कंफर्टेबल होकर चलाना चाहते हो ऐसी बाइक, और आप चाहते हो कि R15 से थोड़ी कम प्राइस में आपको बाइक भी ये मिल जाएगी। बात कर जाए तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो इसके अंदर आपको इस बाइक के अंदर आपको जो व्हील बेस मिलेगा वो मिलेगा आपको 1335 mm का व्हील बेस मिल जाएगा, और जो लेंथ मिलेगी वो मिलेगी 2020 mm की लेंथ आपको मिल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में बात करते हो, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है भाई, ऑफ रोड भी करना चाहो आप वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, हाइट जो मिलेगी वो मिलेगी 1070 mm की हाइट आपको इस बाइक के अंदर मिल जाएगी। ब्रेथ की बात करी जाए तो दोस्तों इसके अंदर आपको 800 mm की ब्रेथ मिलेगी, पेट्रोल टैंक की जो कैपेसिटी मिलेगी वो मिलेगी आपको 10 लीटर का पेट्रोल टैंक मिल जाएगा, लेकिन भाई ये है कि गाड़ी है FI वाली तो या 2-2.5 लीटर पेट्रोल रख लेना। और कर्व वेट की बात करें तो दोस्तों इस बाइक का सबसे मेरे को खास चीज़ पता है क्या लगती है, इस बाइक का कर्व वेट 138 kg का कर्व वेट है भाई, 138 kg का कर्व वेट, यानी अगर मैं इस कर्व वेट को कंपेयर करूँ बजाज की
तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करिए तो नेक्स्ट पॉइंट जो है इस गाड़ी के अंदर आपको जो मिलेगा, देखो कर्व वेट की मैं जैसे बात कर रहा था तो बजाज पल्सर 150 की मैं अगर बात करूं तो भाई उसका कर्व वेट अराउंड 145 समथिंग का उसका कर्व वेट है। लेकिन भाई इस गाड़ी का आपको जो कर्व वेट मिलेगा वो 138 केजी का कर्व वेट इस बाइक में मिल जाएगा। एलईडी सेटअप आपको फुल एलईडी सेटअप मिल जाएंगे। और फ्रंट डिस्क की बात करूं तो 282 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा। जो रियल डिस्क ब्रेक मिलेगा वो आपको 220 mm का रियल डिस्क ब्रेक इस बाइक के अंदर मिल जाएगा विद 12 वॉट की बैटरी के साथ। एलईडी इंडिकेटर्स भी आपको मिल जाएंगे। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ये बाइक किन लोगों को खरीदनी चाहिए। देखो यार, सबसे पहले मैं चीज बताऊं, अगर आप लोगों को चाहिए भाई लुक्स, तो यार देखो बाइक का जो लुक है भाई, पर्सनली मुझे तो बहुत ज्यादा MT50 का लुक मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आता है। और दूसरी बात कर दी जाए तो भाई आप इस बाइक को ऐसा कोई कलर नहीं है जिस कलर में आपको ये अवेलेबल नहीं होगी, बड़े आराम से आप जो भी कलर लेना चाहो भाई वो कलर आप ले लो। लेकिन देखो मैं पर्सनली बताऊं तो आप अगर इस बाइक को लेना चाहो तो ये तो ब्लैक कलर में लेना या फिर मैट ग्रेइश कलर जो आता है उसमें लेना, क्योंकि उसका क्या है पार्ट्स मिलने में थोड़ी आसानी हो जाती है। बाकी अगर देखा जाए तो भाई कलर ऑप्शन आपको उसमें सारे कलर मिल जाएंगे, जो भी कलर आपको दोस्तों इसमें चाहिए वो सारे कलर आपको इस बाइक के अंदर मिल जाएंगे। और इसी बाइक का एक और जो एडिशन आएगा वो आएगा मोटो जीपी एडिशन भी इस बाइक के अंदर आएगा, जो कि बेहतरीन होने वाला है भाई। लुक आपको जो देखो वजन अगर मैं वन की बात करूँ तो उसके अंदर आता ही है आपको मोटो जीपी एडिशन मिल जाता है, लेकिन वर्जन टू के अंदर भी आप जब आएगा तो भाई मोटो जीपी एडिशन आपको इस गाड़ी के अंदर भी मिल जाएगा। बात कर जाता है दोस्तों इस बाइक का प्राइस कितना हो सकता है। जहाँ तक मुझे लग रहा है दोस्तों इस बाइक का जो प्राइस है कंपनी ज़्यादा नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि देखो यार अगर कंपनी ज़्यादा बढ़ा देगी तो लोग R15 की तरफ भी स्विच हो सकते हैं। तो अराउंड जो जहाँ तक मुझे लग रहा है इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस हो सकता है ऑल ओवर इंडिया के अंदर तो 1,74,000 के समथिंग इसका जो टॉप वेरियंट है वो पहुँच सकता है, 78 के समथिंग ये पहुंच जाएगा, जो कि सही है। क्योंकि देखो अगर इससे ज़्यादा होगी तो फिर लोग फिर R15 की तरफ भी स्विच हो जाएंगे। बात करी जाए तो दोस्तों आप ये बाइक कौन कौन बंदे को लें, जिस बंदे को चाहिए भाई मुझे एग्रेसिव पोस्चर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एकदम कंफर्टेबल बाइक जिससे मैं लॉन्ग टूर कर लूँ, प्लेन के साथ बैठ के आराम से लॉन्ग टूर करना चाहूँ, ये उनके लिए सबसे बेहतरीन है। दूसरा ये उनके लिए बेहतरीन है जिसको भाई माइलेज चाहिए। हमें R15 वाला इंजन चाहिए भाई, हमें चाहिए रिफाइनमेंट, फुल रिफाइनमेंट वाला इंजन चाहिए और हमें कोई दिक्कत नहीं, तो भाई वहाँ पर आप इस बाइक को ले सकते हो। तीसरी चीज़ ये है कि भाई अगर आप मॉडिफिकेशन वाले लवर हो कि आपको चाहिए यार गाड़ी हल्की सी हल्का सा काम करो एकदम उभर के निकल के आए, तो भाई मॉडिफिकेशन के मामले में तो यार MT15 पर्सनली मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वो क्या आता ना जैसा चाहो वैसा अपना आप इसमें डिज़ाइन दे सकते हो, पर्सनली मुझे तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और दूसरी बात करी जाए तो दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोग को और बताता हूँ, वो क्या बेनिफिट है। देखो नेकेड बाइक है, अगर बाई चांस कभी आपकी बाइक क्रैश होती है तो इसके अंदर इतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा, यानी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा क्रैश, मतलब जैसे खड़े खड़े कभी गिर जाना बाइक या कभी एकदम से अनबैलेंस हो जाना बाइक गिर जाना। तो इसमें क्या है ना, एक चीज़ इसमें आपको गाड़ी में बहुत अच्छी क्या लगेगी कि इसके पार्ट्स इतनी जल्दी नहीं टूटेंगे, क्योंकि गाड़ी को डिज़ाइन जो इस तरीके से कराया ना भाई, वो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो किसी किसी लोगों को ये चीज़ पसंद आए या ना आए, लेकिन भाई जो होता है वो चीज़ मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर रहा हूँ। ओवरऑल देखा जाए तो देखो बाइक ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है भाई। मैं सही बताऊँ इसका इंजन जो सबसे मुझे सबसे बेस्ट चीज़ लगती है इस बाइक का इंजन, जितना रिफाइन इस बाइक का इंजन है, यामा के जितने भी इंजन आए जितने रिफाइनमेंट जितना बिल्कुल प्यारा रिफाइन, मतलब गाड़ी स्टार्ट भी हो जाती है ना भाई पता भी नहीं चलता कि हाँ भाई गाड़ी स्टार्ट, इतना रिफाइन इंजन होता है इसका। तो यही हमारी आज की हमारी कुछ वीडियो थी। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो करना बोलेंगे खराब करो मांगने में खराब करने में एक और चैनल है राहुल ब्लॉग्स, जॉइन करके उसको भी जाके जरूर सब्सक्राइब करना। तो ओके बाय।